सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ व अपराध की रोकथाम हेतु लगातार सघन गश्त व चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बड़गांव विशाल श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना बड़गांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 7/1/2024 को जब थाना बड़गांव पुलिस द्वारा मोरा चौकी पर चेकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स पर सवार एक वांछित अपराधी मोरी चौकी के पास से गुजरने वाला है जो किसी घटना को करने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल सघनता के साथ चेकिंग प्रारंभ की गई तभी व्यक्ति मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स पर सवार सामने से आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा वांछित संदिग्ध लगने पर मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया परंतु मोटरसाइकिल सवार द्वारा अचानक से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई वह मोटरसाइकिल को नहर पटरी पर मोड़कर ईख के हितों के बीच में चक्रोड से भागने लगे जिसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करने पर भाग रहे बदमाश की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। पुलिस पार्टी द्वारा जब अभियुक्त को आत्मसमर्पण हेतु कहा गया तो बदमाश को पुनः तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसकी गोली कांस्टेबल 2378 सनी की बांह को छूते हुए निकल गई जिसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में गोली बदमाश के पैर में लगी जिसे पुलिस द्वारा घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान अशोक उर्फ छोटो पुत्र दिनेश निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर के रूप में हुई जिस पर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में अभियुक्त थाना ननौता का पंजीकृत 190/3 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त को सीएचसी नानौता प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती कराया गया। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बड़गांव पर 02/24 धारा 307 414 420 भादरी 3/25/97 शस्त्र अधिकृत पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट कमान हसन सहारनपुर।